हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का टाइटल थंबनेल देख के आप लोग जान गए होंगे मैं किस टॉपिक में वीडियो लेके आई हूँ। तो हाँ जी, आज का वीडियो मेरा हेयर से रिलेटेड है और हेयर केयर के बारे में ही ये वीडियो। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखिएगा, ठीक है? तो आज मैंने बालों पर मैंने लगाया हुआ क्या ऑयल लगाया हुआ है और मैं करने वाली हेयर वॉश। लेकिन हेयर वॉश करने के पहले मुझे करना क्या है, अपने बालों पर अप्लाई करनी है हेयर पैक। और आज मैं अपने वालों पे कौन सा हेयर पैक लगा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको पूरा देखिए क्या लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, ठीक है? तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। जो भी चैनल पहली बार है तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है? तो आज का ये वीडियो हेयर केयर के बारे में और हेयर केयर कैसे करेंगे हेयर पैक लगा के। तो चलिए फिर क्या क्या लेना है हमें, तो चलिए फिर आपको मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं हेयर पैक। और हेयर पैक ये हमारा काम करेगा फेस पैक का भी। यहाँ पे हमने लिया है 2 से 3 चम्मच दही। तो दही अपने हेयर के अकॉर्डिंग लीजिए। और मेरी इतने ज़्यादा लॉन्ग भी हेयर नहीं, यहाँ पे एक ईग ले रही हूँ और ये ईग बस मैं इसका पूरा भाग डाल दूँगी इस पर। कोई कोई येलो पार्ट निकाल देता बट मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैं पूरा एक इस पर मेल्ट कर लूँगी। तो बस करना क्या है, 2 सामानों से ही हमें अपना हेयर पैक बनाना है। तो बस मैं बाहर साइड बैठी क्योंकि हमारे यहाँ रसोई में ईग वगैरह नहीं पकता है। तो जब भी कभी बालों में लगाना होता है तो हम साइड वाले रूम में ही लगाते हैं यहीं, और फिर हेयर वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे DIY तैयार कर लिया है। तो दही के वैसे फ़ायदे आप लोग जानते हैं कितना है दही के और ईग के भी, जो कि हमारे बालों को बहुत ही शाइनिंग और मजबूत बनाता है। तो बस यही मैं कर रही हूँ। जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, मैं वैसे सुबह नहा लेती हूँ, हेयर वॉश करना होता है तो मैं दोपहर टाइम में करती हूँ, मतलब 10-11-12 के अकॉर्डिंग पे, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल मैं फ्री होती हूँ। और हेयर पैक लगा के हमें आधे घंटे के लिए रखना पड़ेगा इसलिए। और चलिए सबसे पहले बालों को कर लेते हैं कॉम्बिंग, ताकि हमारे बाल अच्छे नहीं रहें और हमारे बाल सूजे रहें, ताकि आसानी से हम इसको लगा सकें। तो चलिए फिर लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर हमारा DIY तैयार हो चुका है और इसको हम लगा लेते हैं बालों पे। तो मेरे बालों पे ना ऑयल भी लगा हुआ है बट कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे उंगली के पोरों से लगाते जाएंगे। मेन इसको लगाना इस स्कल्प में ज़रूरी है, और इस स्कल्प में लगाते जाएंगे फिर जैसा हमारा रहता है। फिर इसको फिर पहले तो पूरी अपने मतलब पूरे सर पे लगा लेंगे, सर के स्कल्प में लगा लेंगे, और इसके बाद जो बचता है तो पूरी हेयर के लेंथ में। और यदि आपके हेयर ज़्यादा ही लंबे हैं आप इसका डबल कर सकते हो, 2 एक लग सकते हो, दही का भी डबल कर लो आप, जितना आपके बाल में लगे उतना, क्योंकि फिर फालतू बचेगा, वेस्ट जाएगा। तो देखिए ऐसे हम उंगली के सहायता से लगाते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कि मतलब ब्रश से लगाते हैं, ब्रश वगैरह से तो सही नहीं कहलाता मुझे अपने हाथों से करना ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सही कहलाता है। और आप चाहें तो इसे मिक्सी में फेंट सकते हैं अच्छी तरह से, तो बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट टाइप का तैयार हो जाएगा, बिल्कुल महीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मिक्सी वगैरह में नहीं कर रही क्योंकि मतलब हम रसोई में नहीं पकाते हैं, तो वहाँ नहीं ले जा रही हूँ। बस मैं यहीं पर बैठ के लगा रही हूँ, यहीं पर तैयार किया और यहीं पर लगा रही हूँ। और यहीं पर मैं आधे घंटे TV देखूंगी, बैठूंगी, तो बस ऐसे ही हमको लगा लेना है। और ये आपने मतलब 1 हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, अपना मतलब दिन का चुनाव कर लीजिए, 1 हफ्ते में 2 बार या 1 हफ्ते में 1 बार। 1 हफ्ते में 2 बार करेंगे ना तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा, हमारे हेयर और भी ज़्यादा शाइनिंग करेंगे। और इसका कोई भी नुकसान तो है ही नहीं, जो इसके फ़ायदे ही फायदे हैं, तो वही फ़ायदे हैं तो लाभ क्यों नहीं उठाया जाए। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो आप लोग भी जल्दी कीजिए। और ये देखिए मैंने आपसे बात करते करते ही पूरी सर पे लगा लिया है, और रह गया क्या मेरे बालों का लेंथ। और भी थोड़े थोड़े आराम आराम से मसाज भी देनी है, मसाज देंगे तो स्कल्प में अच्छा लगता है। और ये देखिए अब लेंथ बची है तो अब लेंथ में भी लगा लेते हैं। और बस ऐसे ही धीरे करके हम अपने बालों के लेंथ में लगा लेंगे। और हाँ, इसे हम अपने फेस में भी लगा सकते हैं क्योंकि फेस के लिए भी बहुत ही बढ़िया है DIY, क्योंकि दही तो हमारे फेस के लिए वैसे फ़ायदा करता है, और ये एक कौन सा काम करता है, चमक लाने का। तो इससे हमारे फेस में अपनी एक चमक बनती है।
और दही डाला रहता है ना, तो वैसे भी इसमें से कोई स्मेल नहीं आती। यदि आपको आ भी रही है तो कोई आप इसमें एक दो बूंद आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो। तो ये देखिए बालों पे मेरे लग चुका है, अब इसका मैं बना लूँगी बन। और चलिए फिर मैं अब लगा लेती हूँ फेस में भी। तो इसको फेस में भी लेके इसको 5 मिनट तक इसको मसाज कीजिए और फिर देखिए, मतलब इसको 15 मिनट तक आप रख देना, फिर नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है। तो ये देखिए मैं जब भी हेयर मास्क बनाती हूँ तो फेस मास्क भी मेरा बन जाता है और मैं उसको फेस में भी यूज कर लेती हूँ। और इसमें चाहे तो एलोवेरा भी डाल सकते हैं, बट मैंने कुछ नहीं डाला। सिर्फ इसमें मैंने 2 चीज़ से DIY तैयार किया है। और ये देखिए भाई, बस फेस में लगा के इसको अच्छी तरह से, फेस में भी लगा लें, गर्दन में भी लगा लें, ताकि फेस और गर्दन दोनों में एक ही तरह का दिखे। तो बस ऐसे ही हमें थोड़ा मसाज कर लेंगे। मसाज करने के बाद वैसे भी तो हमें जान आ जाती है। तो बस ऐसे ही आप लोग बताना हमारा वीडियो आज का ये कैसा लगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, आगे सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बताइएगा आप लोग के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। ठीक है। आधा घंटे के लिए ऐसे रखेंगे, जब हमें उसको वॉश कर लेंगे फेस में भी। और फेस में हम 15 से 20 मिनट तक रखेंगे और अपने बालों पे हम रखेंगे आधे घंटे के लिए। इसके बाद करते हैं वॉश।